27वां समाजवाद, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि योगी जी बनेंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। योगी जी नहीं बनेंगे? नहीं। फिर कौन बनेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बन जाएंगे? हो सकता। क्या नाम है सर? मेरा नाम शुभम यादव है सर। अच्छा यादव जी, कहाँ के रहने वाले? मैं आजमगढ़ से हूँ सर। आजमगढ़ के रहने वाले? जी भाई। अच्छा अच्छा, क्या माहौल है इस समय आजमगढ़ में? भाई आजमगढ़ में माहौल अगर इतना अच्छा होता तो सपा नहीं जीतती। अगर भाजपा अगर अच्छा काम करती तो सपा कभी नहीं जीतती वहाँ, है ना? भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही है? क्या अच्छा नहीं कर रही है भाई? ये बताइए आप मुझे कि टीचर भर्ती निकली टीजीटी पीजीटी और बीटीसी और बीएड के, उस पर बीएड का आपने वो कर दिया कि वो प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते हैं, जो अब वो 2 साल मेहनत करके पढ़ के जा रहा है वो आप उसके लिए नियम निकाल रहे हो कि वो नहीं पढ़ा सकता है, तो भाई वो तो फिर पागल हुआ ना है। बीटीसी का करके जा रहा है तो आप उसको ले रहे हो, बीएड वाले हो क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा, और तो भर्तियां जो हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। कहाँ हो रही हैं भाई? पुलिस वाला जो मैटर फंसा था सिपाही, अभी अभी आज तक क्लियर नहीं हुआ भाई। हो गया, उसका फिर से एग्जाम होना। कब होगा कुछ पता? जल्दी हो गया है, डेट उसका कंफर्म। देखते हैं भाई, है ना? लेखपाल का आपने कहा कि काम नहीं हुआ, नहीं लेखपाल का फिर बहाली कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार? बहाली हुआ ठीक है, पर उसमें धांधली तो हुआ, जो भी हो रहा है उसमें धांधली हो रही है कि कहीं ना कहीं पीडीए हावी हो रहा है अखिलेश यादव का, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल हो रहा है भाई, हो रहा है पीडीए हावी, बिल्कुल हो रहा है। जातिवादिता की वजह से जो है आजमगढ़ का, जातिवादी नहीं यार। नहीं क्यों नहीं, आजमगढ़ यादव बहुल क्षेत्र, जातिवादी बाहुल्य वाली बात नहीं है, पर बात यह है कि समाजवादी पार्टी में उन्होंने काम किया है, लोगों को बहाली दी है, इन लोगों ने बहाली नहीं दी है। अगर जब बहाली जो सरकार देगी उसको आदमी वोट देगा ना, है इसमें ये 7 साल 8 साल इन्हें होने जा रहा है सरकार चलाते हुए। 2022 में दोबारा जीते, 21 या 22 में जीते ये लोग दोबारा, है ना? उसके 5 साल पहले इन लोगों ने क्या काम किया, उसके बाद इन लोगों ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। ऐसा मैं अपने यार दोस्तों को बोलूँ, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, उनकी बहाली हुई हो, उन लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर दिया, सब कुछ हुआ, इंटरव्यू हुआ, नहीं हो पाए वो लोग। जिसका हुआ भाई मैं उन्हें भी नहीं जानता, पर हुआ होगा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ हुआ है। अच्छा, पर क्या लगता है ये जो समस्या है बेरोजगारी वाला, क्योंकि बेरोजगारी के ही आजू बाजू में ये सब चीज़ें हैं, क्या लगता है कि सबको नौकरी दी जा सकती है? सबको तो नहीं दी सकती भाई, सबको नहीं दी, जो उस लायक है उसे दी जा सकती है, जो उस लायक है उसे दी जाएगी, जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसे दी जाएगी, पर भाई उससे भी तो नहीं दी जा रही ना यार, कि जो उस लायक है वो मेरिट भी क्रॉस कर रहा है ओबीसी के लिए या जनरल के लिए या एससी एसटी के लिए, उसे भी तो नहीं मिल रही नौकरी। तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं, जो काबिल हैं उनको मिल रहा है, भर्तियां हो रही हैं, पहले के जैसे जो है सिर्फ यादव को ही भर्ती किया जाएगा या जिनके पास पैसा है उनके पास नहीं। सत्ता पक्ष तो यही कह रहे हैं, पक्ष वाले ये बोल, सत्ता पक्ष यही कह रहा है उन्हें दी जा रही है, पर मैं ऐसे कई लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ जो इस काबिल भी नहीं है कि अपना नाम लिखना भी ना जानते हो, और उनको मिल गया, उनको मिली है नौकरी। अभी तो आप कह रहे थे कि नौकरी मिली नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, और काबिल भी नहीं है उनको नौकरी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको मिली है, मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों से ऐसे मैं मिलवा सकता हूँ। अच्छा, मतलब कैसे वो पा गए ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, पर मिली है उन्हें। नहीं अभी फिर तो यादव जी फिर मैटर यहाँ फंस जाएगा, ऐसे थोड़ी ना आरोप आप लगा देंगे और पता भी नहीं, ऊपर नहीं लगा रहा आरोप मैं किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, पर जो है योगी बाबा का शासन इतना टाइट है कि पत्ता नहीं हिल सकता है, आप कह रहे हैं कि जो है भाई भाई मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पत्ता नहीं हिल सकता और ना हिल रहा हो ना हिल रहा हो, ये बातें मैं ऑफ कैमरा कर सकता हूँ, पर मैं कैमरा पे नहीं करूँगा ये सब बातें। आप लॉजिकली नहीं, नहीं ऐसा नहीं, आपको बोलने का अधिकार है भाई, लोकतांत्रिक देश है, आवाज़ तो आप उठा सकते हैं चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे विपक्ष। उसके बाद कहाँ जाके जीऊँगा, उसके बाद कहाँ जाऊँगा काहे? अरे इतना दबाव है यादवों के ऊपर उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल है भाई, उसके बाद कहाँ जाऊँ? सबसे बड़ी पार्टी उभर कर समाजवादी पार्टी आई है, ऐसे थोड़ी ना होता है। संसद में देख रहे हो अखिलेश यादव विपक्ष में है, बहुत मजबूत है विपक्ष इस बार, पर सत्ता में तो भाजपा ही है ना, है ना? अच्छा, कमी कहाँ रह गया सत्ता में, भाजपा आ गई फिर से भाई? कमी लोगों की भी कह सकते हैं,
है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें बड़ा जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि योगी जी की सरकार बहुत जल्द बदल जाएगी, मानसून ऑफर देते हैं अखिलेश यादव जी, क्या लगता है, क्या इस लॉजिक से कहा जा सकता है कि यूपी में 80 या 82 सीटें आई हैं और उसमें भाजपा की बहुत सीटें कम, 40 या 42 सीटें सपा की हैं उसमें 80 सीटों में से, तो ये कहा जा सकता है कि 36 सीटें हैं ना, 30 या 32 मैं बोल रहा था, ये 36 का आंकड़ा है, तो मैं ये इस अंदाजे से कह सकता हूँ कि भाजपा कहीं ना कहीं तो कमजोर पड़ रही है ना। लोकसभा में प्रधानमंत्री बात की यार, राम मंदिर बनवाने से कहाँ, प्रधानमंत्री बन गए, राम मंदिर तो चलो हिंदुओं के आस्था का विषय रहा, बना अच्छी बात, भैया मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए बहुत अच्छी बात है, पर कोई और जी कब तक, फिर वो तो कह रहे हैं हम तीसरी बार भी बनेंगे, 27 में जो है खटाखट सफा चट का भी उन्होंने कहा कि खटाखट सफा चट हो जाएंगे 27 में समाजवाद, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि योगी जी बनेंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। योगी जी नहीं बनेंगे, नहीं, फिर कौन बनेंगे, अखिलेश यादव बन जाएंगे, हो सकता, जात की राजनीति करते हैं, जात पर राजनीति करना सही, राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूँ कि जात की राजनीति तो करके जो है अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, राजनीति तो भाई हर कोई कर रहा है, कौन कर रहा है, वो तो हर कोई कर रहा है, जो भी पार्टी आती है वो करती है, सत्ता पक्ष वाले तो विरोध कर रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं जात की राजनीति, भाई नहीं, जो अगर भाजपा आ रही है तो वो पंडितों का सपोर्ट कर रही है, बनियों का सपोर्ट कर रही है, और अगर जब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो वो यादवों का सपोर्ट कर रहे हैं भाई, जो भी पार्टी आ रही है वो कर रही है ना सपोर्ट अपनी, उसका जो जात संबंधित, तो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि भाई आप उनकी बात मान रहे हो तो समाजवादी पार्टी की भी बात मानो, ये तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जात पात की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर हो उसका सपोर्ट, तो भाजपा भी कहती है ना कि हम जात पात की, तो ये बात का सपोर्ट आप उसमें भी करो ना समाजवादी पार्टी के लिए, इस पे क्यों नहीं करते हो, वो भी तो कह रही है समाजवादी पार्टी कि हम जात पात का विरोध करते हैं, नहीं पीडीए की बात करते हैं, कैसे आप कह रहे हो कि जात पात की विरोध करते हैं, इस बात का भी सपोर्ट करो आप, अखिलेश यादव ने आपने देखा होगा संसद में जो नहीं उनका पूरा मुद्दा ही था पीडीए का, मतलब क्या हुआ भाई, जातीय समीकरण ही साधा गया उत्तर प्रदेश चुनाव में, जातीय समीकरण को साध कर चुनाव जो है फिर से जो है बढ़त बनाई समाजवादी, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर आप ये बताएंगे कि जातीय समीकरण को देख के चुनाव मुद्दे में था तो आप ये बताओ कि अयोध्या में सिर्फ यादव हैं, नहीं SC ST बहुल है अयोध्या, बहुल फैजाबाद लोकसभा उसको कहते हैं, फैजाबाद लोकसभा है तो वो वहाँ से सपा कैसे जीत गई, वो तो जातीय समीकरण भाई, वही तो हम कह रहे हैं, क्यों नहीं जातीय, यहाँ SC ST कहाँ से आए, SC ST का कोई लेना देना नहीं है ना समाजवादी पार्टी से, जो प्रत्याशी थे फैजाबाद के वो बीकापुर से विधायक थे और SC ST बहुल होने के वजह से जो है उनको सीट दिया गया, वो निकाल लिए सत्ता पक्ष वालों का ये कहना, ये केस तो अगर किसी दूसरे जिले में देखा जाए बनारस में, तो कह रहे हैं कि काम किसी को दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ जो है जात जात को देखकर जो है उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, अगर मैं जमीनी तौर पे बात करूं तो इंस्टाग्राम पे कई रील देखी गई हैं कि जो आदमी ये कबूल रहा है कि यहाँ पे हमारे घर तोड़े गए, हमें दोबारा घर नहीं दिए गए, तो वो क्यों वोट देने लगे ने? हाँ वहाँ के भी तो बहुत से रील वायरल हुए कि भाई जिनका जैसा था उनको वैसा दिया गया, बाकी अयोध्या से तो बीजेपी हारी कहाँ है, फैजाबाद से और विधानसभा से, फैजाबाद अयोध्या से तो 4500 वोट से प्लस चला है बीजेपी, ये ठीक है मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ लोगों को घर नहीं तोड़े गए मंदिर, मैं अपने उस पर नहीं बोल रहा हूँ, ये जो रील देखी गई वीडियो देखी गई उसके तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने ये कहा कि हमारे घर तोड़े गए, हमें दोबारा घर नहीं दिए गए, तो वो लोग क्यों वोट देने लगे इन्हें, जब अगर अयोध्या में रोड टूटा, मान लिया रोड बना घर टूटा, फिर भी बीजेपी हम कह रहे हैं अयोध्या विधानसभा से जीत के निकली है, अयोध्या सिटी से जीत के गई है 4500 वोट से, उन्होंने वोट ना दिया होता तो जीत के कैसे जाती, हारी तो फैजाबाद में, अच्छा फिर कहाँ कमी कहाँ रही भाई, कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी कि उत्तर प्रदेश में 36 सीटें लेके आए हो जबकि उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, कहीं ना कहीं तो कमी रही है कि कहीं ना कहीं तुमने स्टूडेंट लोगों को नौकरी नहीं दी, कहीं कुछ कमी रही है, कुछ कहीं कमी रही होगी, है पर वोट परसेंटेज भी घटा है बीजेपी का यूपी में, वो तो कह रहे हैं कि वो बहकावे में आ गए, गुमराह किए गए, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा, इन सब चीज़ों को दिखा, पब्लिक सब समझदार है, कैसे गुमराह कर लेगा कोई उसे, रैली करके पब्लिक
गुमराह होगी। कहा गया कि जो है संविधान खतरे में है, मोदी जी 400 पार करेंगे संविधान बदल देंगे। अच्छा, आ गया कि नहीं सरकार बदलेगी? विपक्ष ने कहा कि नहीं कहा इस बात का आपस में? आप मुझे विपक्ष ने कहा कि नहीं कहा? नहीं मुझे नहीं पता ये बात। फिर आप बेईमानी कर रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, विपक्ष ने ये कहा कि नहीं कि मोदी जी 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खतरे में है, कहा कि नहीं कहा? मुझे नहीं पता ये बात कही गई कि नहीं कही गई। बेईमानी कर रहे हैं सर। कहा विपक्ष ने कहा, इस बात मुद्दा बनाया तो मैंने न्यूज़ नहीं देखी होगी ये नहीं तो फिर